press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बिहार ICDS आंगनवाड़ी सहायिका और सेविका का ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से फिलअप करना होगा। तो चलिए दोस्तों, पहले आपको इसकी डिटेल्स बता देता हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस जो कि बिल्कुल 00 रखी गई है, आपको कोई आवेदन शुल्क इसमें जमा नहीं करना पड़ेगा। ऑनलाइन स्टार्टिंग 5 सितंबर से शुरू हो चुका है और 19 सितंबर लास्ट डेट होगी। ठीक है दोस्तों, पेमेंट मोड भी कुछ नहीं होगा। बात करते हैं एज के बारे में, तो 18 ईयर्स आपकी मिनिमम और 40 ईयर मैक्सिमम। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल रखी गई है। मेरे ख्याल से इसमें 2700 कुछ पोस्ट रखी गई है। उसके लिए बात करते हैं हम नीचे जाकर इंपॉर्टेंट लिंक्स के बारे में। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करोगे, तब आपके सामने मेन पोर्शन जो है वो सहायक आंगनवाड़ी रजिस्टर का कुछ इस प्रकार खुलकर आ जाएगा। देखिए पंजीकरण आपका यहाँ पर आ चुका है। आपको क्या करना होगा, आवेदित पद भरना होगा, फिर उसका नाम, फिर उसके पति का नाम, फिर आपको क्या करना होगा, आपकी जन्मतिथि, दिव्यांग हो या नहीं, अगर हो तो टिक कर देंगे, नहीं हो तो नहीं कर देंगे। फिर आपके बाद बिलिंग आपकी महिला होगी, श्रेणी आपकी हो जाएगी। फिर आपको अपनी मेल आईडी से फिल करनी पड़ेगी, एक मोबाइल नंबर, फिर आपका जिला, प्रखंड, पंचायत, वार्ड, आंगनवाड़ी केंद्र संख्या और एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करोगे, ये जो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उस कैप्चा कोड को आपको इसमें फिल करना होगा। फिर आप यहाँ पर पंजीकृत पर ओके कर देंगे। ये देखिए मैं करके दिखाता हूँ, ये मैंने पंजीकृत पर ओके कर दिया। ठीक है, देखिए हल्का थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है। ये कह रहा है डू यू हैव सेव द पास, तो आप इसे नेवर कर देंगे। ठीक है, ये देखिए वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, इसे आप यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर योवर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यहाँ पर आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। क्लिक फॉर एयर कंटिन्यू, कंटिन्यू पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। दोस्तों मैं इसे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तब आपके सामने मेन पोर्शन जो है इससे आगे वाला खुलकर आ जाएगा। आपकी यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। पासवर्ड मैंने पहले कॉपी कर लिया है, वहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और आपकी यूज़र आईडी वो मैंने फिल कर दी, और आप ये कैप्चर कोड यहाँ पर मैं उसे फिलअप कर दूँगा। ये हो जाएगा क्यू और आपका एच और आपका सी और आपका 4। ठीक है, अब हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स हम लॉगिन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं, तब आपके सामने जो मेन पोर्शन होगा वो कुछ इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। देखिए हल्का थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है, ये देखिए हो गया, बस अब होने वाला है। ये कह रहा है इनकरेक्ट यूज़र नेम और या फिर पासवर्ड, देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम आई है। ओ सॉरी, तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर सभी लॉगिन करने वाला हूँ। ये मैंने लॉगिन पर क्लिक किया और थोड़ा सा हल्का सा प्रोसेस हो रहा है दोस्तों। ये देखिए जैसे फ्रेंड्स ये प्रोसेस होगा, तब आपके सामने जो कुछ मेन पोर्शन होगा इस प्रकार का खुलकर आ जाएगा। ये हल्का सा प्रोसेस हो रहा है, देखिए दोस्तों कमाल हो गया। आगे का नेक्स्ट पोर्शन आ चुका है, आपका मोबाइल नंबर जो आपने फीड किया था, वेरीफाई मोबाइल नंबर, और यहाँ पर जनरेट OTP फॉर मोबाइल। ठीक है, यहाँ पर एक मोबाइल OTP आपको जनरेट करना पड़ेगा। OTP हैज बीन सेंड ऑफ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ओके। ये देखिए यहाँ पर आ चुका है 1529, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर ऐसे एंटर करता हूँ वेरीफाई करने के लिए, यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर देता हूँ। देखिए ये आ चुका है, इसे फिर हम वेरीफाई कर देंगे। जैसे फ्रेंड्स आप इसे यहाँ पर वेरीफाई करोगे, तब आपको क्या करना होगा, आप नेक्स्ट पोर्शन आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब आपके सामने मेन पोर्शन कुछ इस प्रकार का खुलकर आ चुका है। ठीक है, मैंने नाम इसमें बदल दिया, पति का नाम भी इसमें आ चुका है। पति का व्यवसाय आपका कृषि हो जाएगा। अब आपको अपने ससुरे का नाम भी भरना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे आप, ससुर का व्यवसाय वो भी कृषि, आपकी जन्मतिथि आ चुकी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आयु इतने के अनुसार वर्ष माह 23/4 के आप हो चुके हैं। परिवार के मुखिया, ससुर, पति का नाम, क्रमांक वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। मतदाता सूची में आवेदक का क्रमांक क्या है, दिव्यांग हो या नहीं, लिंग महिला, पिछड़ा, आवेदन वो आपको सब यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। बाकी जो है सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। आपका एसटीकोण पत्राचार आप यहाँ पर अपना फिल करोगे, यहाँ पर एड्रेस अपना, फिर आपका पिन कोड, फिर आपका स्थाई पता, फिर आपका पिन कोड, क्या आप बिहार के निवासी हैं, हाँ या नहीं, मैं आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद
चूज योर फाइल नेम। अब आपको क्या करना, 50 KB से नीचे अपना फोटो चूज कर लेना और यहाँ पर इसे फिलअप करना पड़ेगा, फिर राष्ट्रीयता, फिर वैवाहिक स्थिति, फिर यहाँ पर अपनी चूज फाइल सिग्नेचर की, ठीक है। उसके बाद पति की वार्षिक आय जो आपके आय प्रमाण पत्र में होगी, फिर आपकी आय का स्रोत क्या है, कृषि, आपको किसी न्याय से दंडित किया गया है या हाँ या नहीं, वो आपको यहाँ पर ना कर देना होगा और फिर यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पर इसे नेक्स्ट कर दोगे। जैसे फ्रेंड्स आप इसे यहाँ पर नेक्स्ट करोगे तब आपका फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपका पोर्शन आएगा आपकी योग्यता वाला, ठीक है। आपकी योग्यता मतलब किस कैंडिडेट से आप यहाँ पर से फिलअप करेंगे, उसमें क्या करेंगे, आप अपनी 10वीं क्लास से लेकर 12वीं ग्रेजुएशन जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पर फिलअप कर दोगे, फिर अपना फ़ोटो अपलोड करोगे, फिर अपने हस्ताक्षर और फिर से अंतिम रूप में सबमिट कर दोगे। तो उम्मीद करता हूँ शायद वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।